हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा ये चैनल जो है ये उनके लिए है जिनका घर फर्स्ट फ्लोर या उससे ऊपर है और वो अपने छत के ऊपर या बालकनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ और ये जितने भी टिप्स होते हैं ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ शेयर, वो ये है कि मैं अब चंडीगढ़ से शिफ्ट होकर बॉम्बे में आ गया हूँ और यहाँ पर ये मेरा सेकंड फ्लोर पे जो है फ्लैट है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस फ्लैट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से अपने जो गमले थे मैं वहाँ से लेकर आया था ये प्लांट्स निकाल कर। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ से कैसे निकाल कर लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास ये जगह है, ये तकरीबन 5 फुट बाई 1.5 फुट के करीब है, आप देख सकते हैं ऊपर से कवर है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये जगह। अब मैं यहाँ पर आपको फ्रूट और फल जो है अपना सब्जियाँ घर पर ही लगाने वाला हूँ, तो आपको मैं ये शेयर करूँगा। अभी आपने एक बालकनी देखी है, अब मैं दूसरी दिखा रहा हूँ आपको, दूसरे रूम की। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे पास कितना स्पेस है, ये देखिए आप, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कमरा खाली पड़ा है, अभी रिपेयरिंग चल रही है यहाँ पर थोड़ा काम। अब ये तीसरी बालकनी है मेरी, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये भी इसमें कितना स्पेस है, इसमें भी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आई थिंक आपने देखा होगा मेरे पास ये 3 बालकनी है कुल मिलाकर, जिनके ऊपर मैं अब गार्डनिंग आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इजीली लगा सकते हैं। और यह मेरी किचन देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किचन, इसमें भी अभी कोई ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ मैंने। तो ये एक किचन के बाहर भी है बालकनी छोटी सी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप कुछ अगर लगाना चाहें मिंट वगैरह या मनी प्लांट वगैरह, तो आप इजीली यहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि बालकनी के साथ आप किस प्रकार से घर पर ही वेजिटेबल्स और फ्रूट पा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने अभी चंडीगढ़ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये अंगूर की बेल मैंने लगाई थी जो चंडीगढ़ के अंदर, वो मैं यहाँ पर भी ले आया हूँ। तो मैं ये आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में अपनी, कि हम अगर प्लांट को भी शिफ्ट करना चाहें एक शहर से दूसरे शहर में तो हम कैसे ले जा सकते हैं। मैं अपने कई प्लांट यहाँ पर ले आया हूँ जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा कि मैं उनको कैसे लेकर आया। और अगर आपके पास भी कम स्पेस है और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए, तो यकीनन आप घर के अंदर ही अच्छी सब्जियाँ जो कि बहुत महंगी हैं आजकल मार्केट के अंदर, वो आप घर से ही ईजी पा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं वहाँ से प्लांट लेकर आया था वो अच्छे ग्रो हो रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर हार सिंगार की कटिंग लगाई थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी स्पॉटिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपको नज़र आ रही हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की स्पाउटिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं ये भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि हम कटिंग द्वारा भी हार श्रृंगार को कैसे लगा सकते हैं।
और यहाँ पर भी मैंने कुछ सीड्स अगर डाले थे, आप देख सकते हैं इस पॉट के अंदर, तो ये सीड भी अब जर्मिनेट हो रहे हैं, तो मैं इनको आगे दूसरे पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपको पास कंटेनर नहीं है और आप लगाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये बाउल है जो कि मैंने 8 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पीस है जो वो 8 रुपये का है, क्योंकि मैं अभी बॉम्बे में आया था, मुझे प्लांट्स लगाने थे, मेरे पास खाली कंटेनर नहीं थे, तो मैंने मजबूरन मुझे ये बाहर से परचेज करने पड़े क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस नहीं थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस बॉक्स की, जो आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, इसमें प्लांट आप इजी से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी काफ़ी जगह है और मैंने इसके अंदर 4 होल ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आप इस प्रकार के कंटेनर में भी आप अपने प्लांट्स को इजीली लगा सकते हैं, अगर आपके पास पॉट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बालकोनी के अंदर, अभी तक तो मैंने जो आपको सिखाया था, बताया था, वो था एक छत के ऊपर हम कैसे बागवानी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बालकोनी में कैसे कर सकते हैं। आप सामने भी देख सकते हैं कि किसी ने भी बालकोनी के अंदर कोई भी वेजिटेबल नहीं लगाया हुआ है, कहीं पर भी जिनके भी यहाँ बालकोनी के अंदर लगे हुए हैं, या मनी प्लांट है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो तुलसी के पौधे ज़्यादा लगाए हुए हैं लोगों ने, मगर वेजिटेबल यहाँ पर किसी के पास भी नहीं लगा हुआ है। मेरे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी का मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप भी बालकोनी के अंदर और आपके पास स्पेस कम है और आप अपने घर में सब्जियां लगाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनके पास स्पेस काफ़ी कम होता है और गार्डनिंग करने का वो शौक़ रखते हैं। तो वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगर आपका कोई परेशानी फिर भी आती है तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।